स्वागत है मित्रों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आपका जो वीडियो है वो क्लास 12 की मैथमेटिक्स के बारे में आपसे मैं बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा और दोस्तों अपने वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लूँ। इस बार जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आज आपके पास दो टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक आपके पास मैं रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के बारे में बात करने आया हूँ। किस तरह से आप अपने 43 मार्क्स एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं, एकदम आप ले सकते हैं, वो मैं स्ट्रेटेजी आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूँ। आपको रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है जो कि 8 मार्क्स में आती है, जिसका दोस्तों मैं आपको एक तोड़ बता दे रहा हूँ कि आप इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। आप रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व कर लीजिए। आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपके 8 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, ज्यादा नहीं 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन दोस्तों और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप और रिलेशन फंक्शन में आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल छोड़िएगा मत, क्योंकि आप देखेंगे पेपर में वही क्वेश्चन रिपीटेड है। रिलेशन फंक्शन में आप रिलेशन से एक क्वेश्चन देख लीजिएगा और फंक्शन में जी ऑपरेशन एफ ऑफ एफ ऑपरेशन जी वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन दोनों में से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। यहां से आपको 8 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं जाइएगा मत, एकदम आप उसको फॉलो कर लीजिए। एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं जो क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं जो मैथ्स में जिसको पास होना हो अच्छे मार्क्स से, या मैथ्स में जिसको पास होना हो केवल, वो ऐसा टॉपिक है जो कि लंबा है लेकिन बहुत ही इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कैलकुलस। कैलकुलस में आपकी कई सारी चीजें आती हैं जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंसिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब देखिए दोस्तों मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आप मेरी सलाह मानिए तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉन्टिन्यूटी के, उनको आप सॉल्व कर डालिए और प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए, इसकी एक आइडिया ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालिए, उसमें आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। डिफरेंसिबिलिटी के लिए आप अदर बुक कंसल्ट कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल आप चाहें तो ले सकते हैं, आर डी शर्मा से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको जो भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में बहुत ही आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी में आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, डिफरेंसिबिलिटी में आप, मैंने आपको बता दिया, साइड बुक कंसल्ट करिए, देख लीजिए उसका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। मॉड वाले क्वेश्चंस, साइनम फंक्शन वाले क्वेश्चंस, जो फंक्शंस वाले क्वेश्चन है उनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए, आप यहाँ पर अपना निकाल लेंगे। डिफरेंसिएशन के लिए तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव हैं या पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं आप इनको सॉल्व कर डालिए और आपका यहां से डिफरेंसिएशन से भी मार्क्स निकल जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ दोस्तों एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि अदर बुक से आप जाएंगे तो इंटीग्रेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इतना समय आपके पास अब बचा नहीं है, तो आप एनसीईआरटी के मिसलेनियस को, हाँ दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार आप एनसीईआरटी के मिसलेनियस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें और डेफिनेट इंडिकेशन पर ध्यान दें जिसमें लिमिट लगी होती है ऊपर 0 से π/2। तो दोस्तों ये आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, डेफिनेट इंडिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। इनडेफिनिट आपके क्वेश्चंस वीएसए में आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आएंगे या फिर 4 नंबर में पूछा जाएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आपका होगा वो 6 नंबर में आपसे पूछना ही पूछना है, उसको कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो केवल आप एनसीईआरटी को टच करिए, केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर को आप ले लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, उतना कर लेंगे आप तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी तैयार हो जाएगी। अब मैं आता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है तो मैं बोलूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको एक क्वेश्चन आएगा ही, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालने के लिए आपको एरिया बाउंडेड रीजन निकालना पड़ेगा बहुत ही आसानी से। आप ऐड करके पार्ट पार्ट में तोड़ करके उसको दोस्तों आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है, वहां से आप उठा सकते हैं मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं आपको बता रहा हूँ दो टॉपिक आप पढ़िए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा, और 4 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल और दोस्तों और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो 6 नंबर के लिए आप दो टॉपिक पढ़िए, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में आप क्या करिए, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं खासकर एग्जांपल और मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर डालिए
और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। यहाँ से आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कर लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना दोस्तों आप स्ट्रेटेजी वाइज चलेंगे, जितना आप अपने दिमाग का यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में स्कोर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी किस तरह से आप करेंगे। ओवरऑल देखिए पेपर पैटर्न आपका क्या है इस बार। आपको देखिए मार्क्स आपके 80 मार्क्स के पेपर होंगे, वीएसए क्वेश्चंस आपके यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 20 क्वेश्चंस होंगे, दो नंबर वाले क्वेश्चंस 6 होंगे यानी 12 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर 1 यानी जो 4 मार्क्स के होंगे वो 6 होंगे तो 24 मार्क्स वहां से हो गया, और लॉन्ग आंसर 2 आपके 6 × 4 = 24। अब लॉन्ग आंसर 2 में दोस्तों एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिनिमम का फिक्स है, दूसरा क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका वेक्टर 3D से आएगा और एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, वो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरह से आपको मैंने स्ट्रेटेजी ब्रेक करके बता दी किस तरह से आप कैलकुलस को टैकल करेंगे और अपने 43 मार्क्स कैलकुलस और फंक्शन को मिला के बहुत ही आसानी से स्कोर कर लेंगे, यानी आप मैथ में 50% आपकी तैयारी हो जाएगी। इतना करने में आपको 1.5 से 2 महीने लगने वाले हैं, बहुत ही आसानी से आप करिए। प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादा ध्यान दीजिए, मैथ के पेपर में स्ट्रेटेजी बनाइए और बिल्कुल आप स्कोर करेंगे। तो दोस्तों हम बहुत ही जल्द मेंटरशिप प्रोग्राम लाने वाले हैं, आपके हर डाउट का सोल्यूशन हम देंगे। जिस भी लड़के को जो भी प्रॉब्लम होती है, जिस भी बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, वो हमें डायरेक्ट मैसेज करेगा, हमें डायरेक्ट कंसल्ट करेगा, हम उसे अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। क्लास 12th के हर बच्चे को वीडियो देखना चाहिए, क्लास 12th के जितने बच्चे हैं आप फैला दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ उससे बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने दोस्तों एग्जाम दिया हुआ है, मैं जानता हूँ किस तरह से पेपर सेट होता है, किस तरह से पेपर का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में।